नवगछिया में करंट लगने से युवक की मौत। मृतक के परिजनों ने चिकित्सक को दौड़ा कर पीटा। नवगछिया थाना क्षेत्र के सिमरा निवासी युवक रॉबिन कुमार की मौत करंट लगने से हो गई। युवक की मौत के बाद आक्रोशित हुए परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर देवव्रत कुमार को दौड़ा कर उनके साथ मारपीट की। घटना की सूचना मिलने पर नवगछिया थाना के रंजन कुमार गुप्ता पुलिस बलों के साथ अस्पताल पहुंचे। तब तक अस्पताल में चिकित्सक के साथ मारपीट करने वाले लोग वहां से फरार हो गए थे। जानकारी मिली है कि सिमरा गांव में घर की बिजली ठीक करने के क्रम में सिमरा निवासी रॉबिन कुमार मिश्रा 31 वर्ष से करंट लगने से मौत हो चुकी थी। चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद चिकित्सक अस्पताल के पड़ आकर खड़े हो गए। इसी बीच एक डेढ़ सौ की संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने रॉबिन की मौत की खबर सुनते ही डॉक्टर देवव्रत कुमार के साथ मारपीट करने लगे। चिकित्सक को उन लोगों ने मृतक के साथ एक निजी अस्पताल भी ले गए। जब वहां भी उसे मृत घोषित कर दिया गया, उसके बाद वे लोग वहां से निकल गए। इस दौरान चिकित्सक के पैर व कमर और चेहरे पर चोट आई है। सूचना के बाद नवगछिया पुलिस अस्पताल पहुंची। इसके कुछ देर बाद रॉबिन के शव को लेकर परिजन भी अस्पताल पहुंचे, जहां रॉबिन के परिजनों ने चिकित्सक के साथ मारपीट करने के संदर्भ में लिखित रूप से माफी मांगी। इसके बाद पुलिस ने रॉबिन का पंचनामा तैयार कर अस्पताल को सौंप दिया। शव का पोस्टमार्टम अगले सुबह किया जाएगा। घर जो आ रहा था, उस तार गिरा हुआ था, उसी को छुआ गया उसके हाथ में। छुआया जो कोई था नहीं उस टाइम, बस जड़ से पकड़ाया। कुछ देर के बाद आदमी जब पहुंचा वहां पे, तब तक में इसका जो है हालत सीरियस हो गया था। जब इस हॉस्पिटल लाने के क्रम में जब आए यहां पे, तो डॉक्टर साहब के वजह से जो है उनके मन में हुआ, डॉक्टर साहब देख नहीं रहे, बच्चा सब हंगामा कर दिया कि क्यों नहीं देख रहे। बहुत देर तक जो है इसको जो है देखा नहीं गया, तो बच्चा सब हंगामा करने लगा, क्यों नहीं देख रहे हैं। तो इस डॉक्टर साहब के मन में वहाँ ख़त्म हो चुका है। तो बच्चा सबको लगा कि नहीं, नब्ज इसका चल रहा है। इसी कारण थोड़ा सा बच्चा सब हंगामा किया, लेकिन तब तक डॉक्टर साहब बोला कि जो है ख़त्म हो चुका है। सोचे मायागंज ले जाएंगे, यहीं ख़त्म हो चुका था करंट लगने के वजह से। नब्ज उसका जो है ना, लास्ट में जब देखा गया तो लगा कि नब्ज उनका टिमटिमा रहा, इसलिए वोमिटिंग हुआ। जो है ना, डॉक्टर साहब को चिल्लाने लगे, तो कुछ लोग दबाए उसके चेस्ट को, तो लगा कि जैसे मतलब मुंह से उल्टी आ गया। हम लोग मन में उम्मीद हुआ कि कहीं जान बचा हुआ हो, तो डॉक्टर साहब को बुलाने गए इधर कैंपस में। तो इसी टाइम में जो खाना खाने के बाद जाएंगे, तब तक में जो है हम ओपीडी में बैठे हुए थे जी। तो मरीज को लेकर के आया तो डेड बॉडी ही था, तो उसको रखवाए, हम चेक किए, हार्ट बीट सब गायब था, पल्स कुछ नहीं था। तो इसके गार्जियन को हम बढ़िया से समझा दिए कि आपका मरीज अब आपके पास नहीं है, उसका डेथ हो चुका था, इलेक्ट्रिक शॉक में था, तो चलाई जी जाता है उसको। तो फिर बोला क्या सुनिए, भैया लोग आता है, तो फिर हम रुके रहे, उसका भाई लोग आया, तो फिर उसको भी कन्विंस कर लिए। उसको बोले कि इलेक्ट्रिक शॉक है, यदि आप कुछ यदि इंश्योरेंस वगैरह है तो फिर पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, यदि नहीं है तो फिर इसको आप घर ले जाइए। तो बोला कि सो हाँ है, सो हम और लोग आ रहा है घर से, बात कर लेते हैं कि पोस्टमार्टम कराना है कि नहीं कराना। तो फिर तब तक हम लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर भी दिए थे। उसके बाद क्या हुआ, सो आया, चार पांच आदमी घर से आया, फिर उसको भी समझा दिया, उन लोग भी सब समझ गया। सब बाढ़ बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था। तो फिर एक आदमी उनसे मिलने के लिए आया था बाढ़ में, हम वो मंदिर के पास उससे बात कर रहे थे। उसके बाद इधर से करीब 150 आदमी आया। उसके बाद डॉक्टर कहाँ है, भीतर घुसा हो, हमको लगा पेशेंट देखने के लिए गया है, हम उसको देखे जाते हैं। फिर जब भीतर से जब आप बाहर आया, तो पेशेंट को लेते हुए बाहर आया। उसके बाद जाने लगा, तो हम उसको रोके क्या है, तो हम बोला कौन है, बोला कि उसी में से कोई बोला कि डॉक्टर है, बोला कि देख जिंदा छे, तुम इसको मरा हुआ कह रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी मरा हुआ है तो उसको जिंदा कैसे कहेंगे। उसको फिर हमको चेक करवाया, उसको फिर हमको कैसेट करके ले गया वहाँ, क्या कहते हैं, रोड पर। उसके बाद हेडफूट से मारा गया, फिर हम उधर गए वहाँ पर, थोड़ा चल दिया वहाँ। इसके बाद फिर हमको कैसेट के ले गया वहाँ डॉक्टर राय के पास,
डॉक्टर राय के पास भी फिर दिखवाया हमको, फिर वहाँ से उन लोग वहाँ से हमको हम वहाँ से भाग के चले आए हॉस्पिटल, फिर उन लोग उसको पेशेंट को लेकर के चला गया है, आगे चला गया फिर वहाँ से, फिर अभी थोड़ा देर पहले फिर उसको तो फिर सारा लोग उधर से चला आया, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी आ गया, तो फिर वो मौकेनामा लिख करके दिया है कि आइंदा इस तरह का नहीं होगा, उसने सब सब लिख करके दे दिया। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178773250524 37 पर ओई मार्ट ऑनलाइन मार्केट।